Hello, students. Myself, Doctor Bazrang, Comet Model Senior Secondary School, Khudalicher, Chandigarh. Students, in this video, we'll discuss about the poem, "The Three Old Ladies." This poem is about the thought process of people, or we can say that it is about attitude of people. If we have positive attitude, the world is very beautiful and pleasant. But if we have negative attitude, then everything in this universe is bitter and harsh. So we should possess love, affection, and cooperation in our hearts for all the objects around us. We should avoid feeling or thought of hatred and jealousness for others. In this poem, three old ladies have been symbolized to indicate three types of thought process. It also indicates type of human nature. Now discuss this poem in elaboration. There was an old lady, old dressed in silk. कि एक बूढ़ी औरत थी, all dressed in silk. कि सुंदर वस्त्र पहनने हुए, देख दिखने में सुंदर थी. Who lived upon lemons and butter milk? Lemons and butter milk means here nature of backbiting, beating or nature of vindicating others. कि वो हमेशा दूसरों की चुगली और दूसरों में दोष ढूंढती रहती थी एंड थिंकिंग द वर्ल्ड वॉज ए श्योर ओल्ड प्लेस और संसार को एक स्वार्थी लोगों का निवास स्थान माना करती थी एसिड ऑल ओवर हर फेस और वह हर टाइम दूसरों की निंदा करती रहती थी एसिड मीन एसिड इज ए लिक्विड सब्सटेंस दैट कैन मेल्ट और डिजोल्व मेटल्स और इवन कैन बर्न और बॉडी और दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ ह्यूमन एचर अनादर ओल्ड लेडी ओल्ड इन पैचिस दूसरी ओल्ड लेडी ओल्ड इन पैच रंगीन वस्त्र पहने हुए लिवड न थी कि करती कुछ नहीं थी बट सेफ्टी मैचिस लेकिन सेफ्टी मैच जैसे मासिस की तिली शांत होती है उसी तरह शांत बट जैसे ही मासिस की तिल्ली को थोड़ा सा फ्लैक्शन मिल जाता है वो जल उठती है इन द सेम वे जो दूसरे तरह की ओल्ड लेडी है वो उन तरह के लोगों को सिग्निफाई करती है सिंबोलाइज करती है जो दूसरों की खुशी हैप्पीनेस एडवांसमेंट अचीवमेंट प्रमोशन जैसे ही देखने में या सुनने को मिले तो जल उठे उनसे घिरना द्वेष करने लग जाए सेकेंड ओल्ड लेडी उन उस कैटेगरी के लोगों को सिंबलाइज करती है सो द वर्ड इट मेड हर स्ट्रेंगल एंड कफ स्ट्रेंगल कफ का मीन है अंदर ही अंदर जलना घुटन महसूस करना एंड श्योर एज यू रब हर सी सेट हर ऑफ और वो अंदर ही अंदर जलती रहती है और यकीन मानिए एंड श्योर एज यू रबड हर और जैसे ही आप उसको थोड़ा सा रब मीन हेयर जैसे इसको थोड़ा सा तंग करेंगे उसको जैसे ही कोई आप अच्छी खबर बताएंगे तो वह सेट है उसकी जर्नी शुरू हो जाएगी उसकी जर्नी क्या है दूसरों से द्वेष करना दूसरों से घिरना करना जलना तो स्टूडेंट्स शो फॉर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टू टाइप ऑफ ह्यूमन नेचर पहली वाली जो ओल्ड लेडी है वो सिंबलाइज करती है कि दूसरों में कमियां निकालना दूसरों की चुगली करना और जो सेकेंड टाइप की जो ओल्ड लेडी है वो उन लोगों को सिंबलाइज करती है जो अक्सर दूसरों से घिरना करती हैं। इन शॉर्ट एक कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो दूसरों की निंदा करते रहते हैं दूसरों की चुगली करते हैं और दूसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जो दूसरों से जेल्स द्वेष करते हैं घिरना करते हैं दूसरों से जलते रहते हैं अब थर्ड टाइप का जो नेचर है नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अनदर ओल्ड लेडी जो तीसरे तरह के लोग हैं तीसरे नेचर के जो लोग हैं हेयर अनदर ओल्ड लेडी एक दूसरी एक अन्य वृद्ध बूढ़ी ओर्थ ओल्ड सनी एंड नीड, ओल्ड सनी देखने में थोड़ी गर्म मिजाज की ड्रावनी एंड नीट लेकिन दिल की साफ नीट नीट मीन एयर दिल की साफ द्वेष नहीं करती है हु अपॉन सुगर सुगर जैसे मिठी होती है वो भी मिठा बोलती है उसकी क्या है उसकी वाणी मीठी है वो मीठा बोलती है हंसमुख है एंड एवरीथिंग स्वीट एवरीथिंग स्वीट मीन सबसे प्रेम पूर्वक इंटरेक्ट करती है व्यवहार करती है एक्सक्लेम्ड वेल सी हार्ड ऑफ देयर ट्रेवल ऑफ देयर ट्रेवल का मीन है स्टूडेंट्स हेयर जो ऊपर दो कैटेगरी के, के लोग हैं उन लोगों की जब समस्याएं उन लोगों का जब वो डिस्कशन या उनके बारे में सुनती है कि कुछ लोग दूसरों की बैकविटिंग और विंडिकेशन करते हैं या दूसरों से जेलसनेस रखते हैं तो वो एक्सक्लेम करती है वो हैरान हो जाती है आई नेवर वो कहती है कि आई नेवर मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी और इन नेवर डू सो कि मैं ऐसा कभी नहीं करती फॉर द वर्ड इज सो नाइस क्योंकि संसार बहुत ही प्यारा है आई कुड लिव ऑन फॉर एवर आई कुड लिव फॉर एवर मैं इसका हर एक मोमेंट जो फुल ऑफ ब्लिस है उसका एंजॉय करना चाहती हूँ कि जिंदगी का हर एक क्षण है मैं दूसरों की बुराई निंदा करके चुगली करके दूसरों से जल कर उसको ख़त्म नहीं करना चाहती मैं इंजॉय करना चाहती हूँ वो उस कैटेगरी के लोग हैं जो दूसरों से द्वेष नहीं करते जो दूसरों की निंदा नहीं करते जो दूसरों से जलते नहीं हैं दूसरों की अच्छाई को देखे दूसरों की बड़ाई को देखे दूसरों की अचीवमेंट ग्रोथ को देख दूसरों की खुशियों को देख वो जलते नहीं हैं लेकिन एंजॉय करते हैं हर एक मोमेंट को अपनी जिंदगी के हर एक मोमेंट को एंजॉय करते हैं नाउ चिल्ड्रेन टेक यूवर डिसीजन और चॉइस अब बच्चों आपका डिसीजन है ऑफ द फूड यूर हार्ट सेलेट किस तरह का फूड मीन्स हेयर फीलिंग और थॉट कि आपके दिल में किस तरह की फीलिंग्स और रहते हैं दे आर श्योर थॉट्स और नेस्टी थॉट्स श्योर मीन कट्टू और नेस्टी मीन बुरे विचार अगर बुरे विचार हैं और कट्टु विचार हैं तो हमारा संसार हमारे लिए दुखदायी हो जाएगा एंड थॉट एंड थॉट्स एंड थॉट्स एंड थॉट्स ओल गुड एंड स्वीट अगर अच्छे विचार हैं ऑल गुड्स एंड स्वीट तो दिस यूनिवर्स विल बी ब्यूटिफुल एंड प्लेजेंट फॉर एस एंड वट एवर फीड ऑन और फीड्स ऑन मीन हेयर जिस तरह के विचार हमारे दिल में होंगे वट एवर जो भी विचार जो भी भावनाएं फीलिंग हमारे दिल में होंगी डियर चिल्ड्रंस ट्रस्ट में विश्वास कीजिएस में वर्ट स्क विल सिम्स टू बी जैसे विचार दिल में होंगे वैसा ही संसार हमारा हो जाएगा हमारे लिए अगर अच्छे विचार हैं अच्छे विचार हैं तो हमारा संसार हमारे लिए प्लेजेंट हो जाएगा और अगर बुरे विचार हैं तो दिस यूनिवर्स विल बी बिटर न हार्स फुल ऑफ पेनफुल फॉर अस सो स्टूडेंट्स वी शुड पोजेस फीलिंग्स ऑफ लव अफेक्शन सिंपथी एंड कोऑपरेशंस फॉर ऑल अदर्स ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस This poem has been written by Mary Maps Dose. She is renowned poetess especially for her writing for children's and students. I hope this elaborative discussions will help you to do these questions very comfortably and Hope for the best. Thank you so much.